Hello, all of you. So this is Dr. Megha Kumra, and teachers, today we are going to discuss your first DPP for digestion and absorption. Okay, तो आज हम देखने वाले हैं कि इस DPP में कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. हम डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे और बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो देखेंगे. सो वेन एवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, तो एजुकेटर्स एट द टाइम यू हैव टू मेंशन डिफरेंट मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स एज वेल. ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स जो डिफरेंट टाइप की मिस्टेक करते हैं वो आप बताएंगे, डिफरेंट अप्रोचेस मतलब किस किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप वो बताएंगे. ओके, कौन सा डायग्राम या कोई ग्राफ है आपके पास, या कोई फ्लो चार्ट है जो बच्चों को क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है आप वो बताएंगे. ये सब चीज मेंशन करते हुए आप साथ साथ उसमें डिफिकल्टी लेवल भी बताकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ओके एजुकेटर्स, सो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, डाइजेशन इज, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ने क्या पूछा है, डाइजेशन इज, डाइजेशन जो है वो क्या है. तो डाइजेशन जो है एक प्रोसेस है. डाइजेशन क्या है, डाइजेशन को हम बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. डाइजेशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स प्लस नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म, नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म जो है फूड का, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारा, वो कन्वर्ट होगा हमारा किस में, सिंपल प्लस डिफ्यूजिबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में. ठीक है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस के अंदर आपको फूड को, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे हम मान लीजिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, इनको हमने ब्रेक करा. हमने किस में ब्रेक करा, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म में, वो मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक हो जाएंगे. तो उस फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूजिबल भी हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे, प्लस एब्जॉर्बेबल हो जाएंगे. तो इस वाले पार्ट को, इस वाले प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, अब यदि हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, आपका जो पूरे चैप्टर में, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस चल रही है, उस प्रोसेस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फाइव पार्ट में. यदि मैं बात करूं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास, हमने इसको फाइव पार्ट में डिवाइड किया है. हमने क्या है किया है, इसको फाइव पार्ट में डिवाइड किया है. सबसे फर्स्ट है हमारे पास इंजेशन, फिर होता है सेकंड नंबर पे डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद यहां पर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एंड लास्ट वाला है हमारे पास यहां पर कौन सा है, इजेशन. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, ये कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. ये क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. वन इज डाइजेशन एंड अनादर इज एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिफरेंट प्रोसेस है. तो आप इसके ऑप्शन को अब देखना स्टार्ट करें. अब यहाँ पर क्या हो सकता है टीचर्स, आप यदि देखेंगे ना, तो बच्चा एब्जॉर्प्शन में और डाइजेशन में क्यों कंफ्यूज हो सकता है, इस वर्ड की वजह से. यहाँ पर आपने फूड को, यहाँ पर आपने क्या किया, फूड को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में
ब्रेक कर दिया है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको तोड़ दिया है, लेकिन हमें डाइजेशन के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं करवाना है ना। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो डाइजेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफ्यूजिबल फूड, नो, एब्जॉर्प्शन की आपको डाइजेशन के अंदर बात नहीं करनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं। मैंने फिर से कहा कि इस डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का अलग अलग स्टेप है, ठीक है। ये जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही है उसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग स्टेप है। तो बच्चा केवल कंफ्यूज कहाँ पे हो सकता है, एब्जॉर्बेबल वर्ड की वजह से। उसको लग सकता है कि हाँ डाइजेशन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो आपको बच्चों को बताना है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी आंसर नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल फूड नहीं, ये तो एब्जॉर्प्शन की ही डेफिनेशन हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये इसका यदि मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा इसका, ईजी होगा, ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। डायरेक्ट डेफिनेशन यहाँ पर आपसे पूछ ली गई है। इसको थोड़ा सा हम वैसा कर देते हैं, अच्छा लगेगा ये, बड़ा सा सुंदर सा बन जाएगा, ओके। तो ये इजी कैटेगरी का हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा।